गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मुखर्देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंत गढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है पूर्ति की लोच की श्रेणियां। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा, पूर्ति की लोच की श्रेणियां, यानी डिग्री ऑफ क्लासेस ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच की श्रेणियां। तो जिस तरीके से मांग की लोच की श्रेणियां होती है, उसी प्रकार के पूर्ति की लोच की श्रेणियां भी होती है, उसी प्रकार ही होती है जिस तरीके के मांग की होती है। कुछ इनका अर्थ चेंज होता है, बस टॉपिक सेम ही है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर टॉपिक लिखता हूं, पूर्णतया लोचदार पूर्ति। दूसरा होता है अधिक लोचदार, और तीसरा होता है इकाई के बराबर लोचदार, और चौथा होता है कम या बेलोचदार। कम लोचदार या बेलोचदार पूर्ति, और इसको इकाई से भी कहते हैं, इसको इकाई से कम भी कहते हैं। पूर्णतया बेलोचदार, पांच कैटेगरी है पूर्ति की लोच की, तो हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो पूर्ति की लोच है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, तो ताकि हम थोड़ा सा हमारे इस टॉपिक को आसानी से समझ पाए। तो पूर्ति की लोच क्या है? इसका सिंपल एक अर्थ है कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन कितना होता है, इस परिवर्तन की माप ही पूर्ति की लोच है। तो ये इसका सिंपल अर्थ है जो हम इसको सामान्यतः समझने में यूज लेते हैं, कि पूर्ति में परिवर्तन के कारण कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ, उसकी माप ही पूर्ति की लोच होती है। तो कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है, अधिक होता है, कम होता है, कीमत से ज्यादा होता है, कीमत से कम होता है, कीमत के बराबर होता है, नहीं होता है, या बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है। तो ये पांच प्रकार की कंडीशन हमारे सामने है। ये तो हमारा पहला टॉपिक है, वो है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। तो इसका सिंपल अर्थ क्या है वो हम थोड़ा करते हैं डिस्कस उसपे। तो वो कुछ इस तरीके से है कि जब कीमत में आंशिक परिवर्तन से पूर्ति मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए, कीमत में आंशिक परिवर्तन से पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए, ऐसी पूर्ति पूर्णतया लोचदार पूर्ति होती है। और इसको इस प्रकार के डायग्राम के द्वारा है जो शो किया जाता है। इधर लिख देते हैं कीमत, इधर कर देते हैं पूर्ति। कीमत में आंशिक यानी दिखाई भी नहीं देता है, नए के बराबर होता है, और पूर्ति में हम क्या दिखा देंगे, बड़ी मात्रा में। तो ये सप्लाई मतलब बिल्कुल सीधा होता है, इसको एसएस लेकर के पीएस कहेंगे हम, और इसमें एक संतुलन दिखा देते हैं। पहले ये ई है, इसमें ये क्वांटिटी मिल रही है, यदि इसमें आंशिक परिवर्तन हुआ, यदि वृद्धि होती है आंशिक, तो हम जानते हैं कि इसमें वृद्धि हो जाएगी पूर्ति में Q1, और आंशिक कमी होती है तो इसमें बड़ी मात्रा में कमी हो जाती है Q2। तो इसको E2 और इसको E1 के नाम से हम इसको सामने को जो दर्शाएंगे, ये होता है ES इज इक्वल अनंत। अनंत का ये सिंबल होता है इस तरीके से, यानी कीमत में आंशिक परिवर्तन से पूर्ति मात्रा में बड़ी मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। यानी यदि कीमत मामूली सी कम हुई तो पूर्ति में बहुत बड़ी मात्रा में कमी हुई, और यदि कीमत आंशिक बढ़ी तो पूर्ति में बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन यानी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो यह है इसका सिंपल अर्थ। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है, ES इज इक्वल अनंत बोलते हैं इसको, ठीक है।
उसके बाद में दूसरा हमारा टॉपिक है अधिक लोचदार पूर्ति, अधिक लोचदार या इसको इकाई से अधिक लोचदार भी कहते हैं। इसका अर्थ इस तरीके से है कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति मात्रा में कीमत की अपेक्षा अधिक परिवर्तन होता है, कीमत की अपेक्षा पूर्ति मात्रा में अधिक परिवर्तन की स्थिति को क्या कहते हैं, अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। तो ये इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें कीमत में कम परिवर्तन और पूर्ति में हमें अधिक परिवर्तन है जो दिखाना है। तो इसमें आप वही दो अक्ष बनाएंगे, ऑरेंज और वही, इसी तरीके से कीमत और पूर्ति भी कहेंगे एक साइड में। जो वक्र हमारा है वो कुछ इस तरीके से सप्लाई वक्र इस तरीके से बढ़ेगा ऊपर, ठीक है। पहले सीधा था, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। इसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल इसके 45 डिग्री में नहीं होना चाहिए, सीधी लाइन 45 डिग्री में हो जाएगी तो इकाई के बराबर लोचदार हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर होना चाहिए। तो इस थोड़े से 45 डिग्री की लाइन बन जाएगी, इससे थोड़ा सा ये ऊपर होगा तो अपने आप ही ऐसी कंडीशन आएगी कीमत में कम परिवर्तन हुआ पूर्ति में अधिक परिवर्तन। इसके दो बिंदु बनाते हैं ई और ई1, दोनों को मिलाएंगे दोनों साइड में तो पता चलता है कि ये ओपी कीमत है और ये ओपी मात्रा है। जैसे ही कीमत बढ़ती है ओपी वन तो मात्रा भी बढ़ जाती है, लेकिन कीमत में आप देख रहे हो कम परिवर्तन है लेकिन पूर्ति में यहाँ अधिक परिवर्तन है। ऐसी कंडीशन क्या होती है, अधिक लोचदार पूर्ति की होती है। इसे कहते हैं ईएस ग्रेटर देन 1, यानी एक से अधिक होगी, इसका आंसर एक से अधिक आएगा यदि कोई क्वेश्चन करते हैं इसमें किसी प्रकार का। दूसरा हमारा टॉपिक हो गया, तीसरे में चलते हैं। ये है इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति। इसका मतलब ये है कि जब कीमत में जितना परिवर्तन हो उतना का उतना ही परिवर्तन किस में होगा, पूर्ति मात्रा में होगा। यानी इसका थोड़ा अर्थ भी थोड़ा तरीके से बोले कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति में भी हो जाता है, लेकिन कीमत और पूर्ति में समानुपात में परिवर्तन होता है, ऐसी स्थिति इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति की होगी। यानी दोनों में परिवर्तन कैसा होगा, बराबर होगा। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा, OX OY कैसे हैं, कीमत लिखते हैं इधर, पूर्ति लिखते हैं इधर, बिल्कुल 45 डिग्री में सीधी रेखा खींच देंगे। स्केल से आप 45 डिग्री यहां खींच सकते हो बिल्कुल बीचों बीच, तो अपने आप ही दो इसके जो आप बिंदु बनाओगे सही आएगा बिल्कुल, लेकिन 45 डिग्री में होना चाहिए ये लाइन है, तो पूर्ति वक्र हमारा 45 डिग्री में बनेगा। तो ऐसे मैंने आइडियल 45 डिग्री का बना लिया है, बाकी आप दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको मैं किस तरीके से बराबर बना सकते हैं। इसमें दो कोई बिंदु बनाओगे, पॉइंट बनाओगे ई और ई1, दोनों साइड में लाएंगे इसको, तो आपको दोनों में लगभग अंतर है जो बराबर दिखाई देगा। तो जितना परिवर्तन इसमें उतना उतना आपको इसमें दिखाई, बराबर सा ही परिवर्तन दिखाना है, वो 45 डिग्री में ये लाइन होगी तो अपने आप ही हो जाएगा। पी पी वन क्यू और क्यू वन ये होगा ES इज इक्वल 1, इसलिए 1 के बराबर होगी। यदि कोई क्वेश्चन किया जाता है इस संबंध में तो उसका आंसर 1 आएगा, तो ऐसी कंडीशन है जो ये इसमें दिखाई दे रही है। अब हम बात करें कि इसको सीधा और कैसे बनाएं बिना इतना देने के, तो आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप जितना आप इधर देख रहे हो यानी एक सेम इधर लिया एक सेम इधर लिया दोनों का, ठीक है, इस तरीके से दोनों को बराबर मिला लेते हैं। इसी तरीके से एक सेम को ऊपर बढ़ाओ और दोनों को बराबर का बराबर इधर भेजो, जितना ऊपर बढ़ाया उतना उतना इधर बढ़ा दो और दोनों जो एक बोलने इनको इस तरीके से मिला सकते हैं। तो यह भी दोनों साइड में बराबर अंतर होना चाहिए, बस इतना सा है और कुछ नहीं है, बिल्कुल बराबर अंतर दिखाना होता है। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, लेकिन 45 डिग्री में आप सीधी रेखा खींचोगे तो अपने आप ही सब कुछ क्लियर बनेगा, अपने आप साफ सुथरा बैकग्राउंड बनेगा। तो ये इस तरीके से आप है जो इस ऐसे भी बना सकते हो।
अब बात करते हैं चौथे नंबर पे बेरोजगार पूर्ति की। तो बेरोजगार पूर्ति की जो इसकी डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से है कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति में भी होता है, लेकिन यह परिवर्तन कीमत जो पूर्ति में कीमत की अपेक्षा कम होता है, यानी कीमत में अधिक परिवर्तन होगा और पूर्ति में कम परिवर्तन। कीमत में अधिक और पूर्ति में कम, तो कीमत की अपेक्षा यदि पूर्ति में कम परिवर्तन होता है ऐसी कंडीशन जो बेरोजगार पूर्ति की होगी। और इसको इस तरीके से डायग्राम में इसको बनाएंगे, सबसे पहले ओएक्स ओवाई खींचेंगे, इधर कीमत और इधर पूर्ति मात्रा लिखेंगे। और डायग्राम हमारा देख रहे पहले सीधा था, फिर थोड़ा टेढ़ा हुआ और ज्यादा टेढ़ा, इस बार थोड़ा सा और ज्यादा इसको सीधा बनाएंगे। यानी ये जो है तो 45 डिग्री से थोड़ा बड़ा पत्र बनाना पड़ेगा आगे, तो लाइन ऐसी होनी चाहिए कुछ इस तरीके से जो थोड़ी सी बड़ी हो, 90 और 45 के बीच का वक्त बनता है। यहाँ इसको नीचे में रहते हैं तो, लेकिन मिलाना नहीं है आपको, यहाँ ऐसे सोकर बनाएंगे तो आपको अपने आप ही समझ आएगा। दो बिंदु बनाएंगे ई और ई वन, ई को दोनों साइड मिला देते हैं, इसी प्रकार से ई वन को भी दोनों साइड में मिला देते हैं। तो इनको दोनों को साइड में मिला दिया है, अब इन लिख देते हैं यहाँ ये पी वन, इसको पी, इसको हम लिखेंगे क्यू और ये हो गया क्यू वन। तो इस तरीके से इसको हम जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो एक प्राइस से कम होगी, इसको कहेंगे ईएस लेस देन वन। तो इस तरीके से ये बेरोजगार पूर्ति होती है। लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा है पूर्णतया बेरोजगार, इसकी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से होती है। पहले थोड़ा इसके अर्थ के बारे में लिख लेते हैं, तो बात करते हैं अर्थ में। तो ये होता है कि जब पूर्ति में आंशिक परिवर्तन हो, पहले इसमें हमने देखा था कीमत में आंशिक से पूर्ति अत्यधिक हो जाती है, इसमें पूर्ति में आंशिक परिवर्तन से कीमत अत्यधिक हो जाती है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति। तो सिंपल इसका अर्थ ये होगा कि जब पूर्ति में आंशिक परिवर्तन से कीमतों में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है ऐसी पूर्ति पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति होती है। कीमत पूर्ति में आंशिक परिवर्तन हुआ और कीमत में बहुत बड़ी मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन होता है। डायग्राम के द्वारा इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, ये बिल्कुल सीधी रेखा हो जाती है कीमत में अत्यधिक और पूर्ति में आंशिक यानी नए के बराबर होता है। ये सप्लाई वक्र है, पहले एक बिंदु बनाएंगे इसमें प्राइस का, इसको ई कहेंगे, पूर्ति में आंशिक कमी होती है लेकिन कीमत में अधिक दिखाई दे रही है, दिखाना है हमें आंशिक का मतलब नए के बराबर ही है या पी वन, और पूर्ति में भी वृद्धि होती है आंशिक, कीमत में अत्यधिक वृद्धि दिखानी है। तो एक बार बढ़ा के एक बार घटा के दिखाएंगे ई टू, ये ई टू, ये ई एस इज इक्वल जीरो, ये ऐसी कंडीशन है। सामान्यतः ये जो पहली और जो पहली और ये आखिरी वाली कंडीशन है व्यवहार में कभी देखने को मिलता है ऐसा, फिर भी यदि कोई ऐसी कंडीशन होती है इसको इस तरीके से शो किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर।